और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, त्रिवेंद्र सरकार किसानों को सौगात देगी। राज्य स्थापना दिवस पर किसानों को मिलेगी सौगात, 2% ब्याज पर किसानों को ऋण देगी सरकार। सरकार की इस पहल को विपक्ष ने एक महज दिखावा बताया है। उत्तराखंड में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड 17 बरस पूरे कर रहा है और इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत किसानों को ये सौगात देंगे, किसानों को 2% ब्याज पर ऋण मिलेगा। वहीं विपक्ष सरकार की इस पहल को दिखावा बता रही है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने जो वादे किए थे किसानों से, जो सपने दिखाए थे किसानों को, वो वादे पूरा नहीं कर पाई है सरकार। अजय हमारे साथ मौजूद है। अजय, एक तरफ उत्तराखंड 9 नवंबर से 17 बरस पूरे कर रहा है और दूसरी तरफ सरकार किसानों को तोहफा देने जा रही है 2%। देखिए स्वाति, राज्य स्थापना दिवस को लेकर के उत्तराखंड में तैयारियां जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री राज्य गठन की जो स्थापना दिवस की तैयारियां है उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जगह जगह राज्य स्थापना दिवस की जो तैयारियां, जो समारोह करना है उसको किया जाए। और इसी बीच में जो है किसानों को जो 2% ब्याज पर 1-1 लाख रुपए ऋण मुहैया कराने की बात है उसको भी 9 नवंबर को शुरू किया जाएगा और सहकारिता विभाग की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और देहरादून में जो मुख्य कार्यक्रम का समारोह का आयोजन होगा वहां पर करीब 10,000 किसानों को ये ऋण मुहैया कराए जाने की बात सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कही है। स्वाति, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में सरकार ने तय किया है कि करीब 3 लाख किसानों को इस तरह से 2% ब्याज पर 1-1 लाख रुपए का ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए जो भी क्राइटेरिया है उसको पहले से ही तय कर दिया गया है और किसानों को ऋण मुहैया कराने की सरकार की जो है उसको आगे करने की बात कही। सरकार की इस मंशा पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, दिखावा बता रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने, भाजपा ने जब सत्ता को हासिल करना था उस वक्त किसानों को के सामने बड़े बड़े वादे किए थे। उनको ये कहा था कि अगर उत्तराखंड में सरकार बनती है तो वो किसानों को दो के जो ऋण है वो माफ कर देंगे, लेकिन अब अपने वादे से मुकर रही है बीजेपी सरकार और किसानों को सिर्फ 2% ब्याज पर ऋण देने की बात कह रही है या ऋण मुहैया करा रही है, तो ये ठीक नहीं है। सत्ता पाने के लिए भाजपा ने जनता को भ्रमित किया था, उनको ठगा और आज किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। विपक्ष ये कहना है कि जो किसानों की लड़ाई है, जनता की जो लड़ाई है उसको लड़ा जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा और इससे इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जो है सीधे सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड में अगर विपक्ष की बात करें तो इस समय सिर्फ कांग्रेस ही पुरजोर तरीके से विपक्ष निभा रही है, विपक्ष में है और वो सरकार जनता की लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि जब चुनावी जनसभाएं होती थी दौरान बीजेपी के नेता चिल्ला चिल्ला करके यही बात करते थे कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद वो किसानों को ऋण मुहैया कराए के जो माफ है वो माफ कर देंगे, इसके साथ साथ जो जनता की जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा और मूलभूत जो सुविधाएं पहुंचाने की बात है वो की जाएगी, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वो आम जनता को भूल चुके हैं। किसानों के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर हो सकती है। किसानों को 2% ब्याज पर ऋण देगी उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार। सरकार की इस पहल को विपक्ष ने दिखावा बताया है। राज्य स्थापना दिवस पर किसानों को ये सौगात मिलने जा रही है। त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से 2% ब्याज पर ऋण देगी सरकार राज्य स्थापना दिवस पर किसानों को।